नमस्कार, मैं कुशाग्र होम लर्निंग सिस्टम की गतिविधियों के बारे में आपको बता रही हूँ। कुशाग्र होम लर्निंग सिस्टम पंच तत्व, पंचेंद्रियाँ और पांच कोश, इन पर आधारित गतिविधियों को डिज़ाइन करता है। इसके अंतर्गत आज मैं आपसे पंच तत्व का महत्व, इसकी गतिविधियों के बारे में बता रही हूँ। जन्म से 5 वर्ष की शिशु की आयु जो होती है उसे लालन पालन की आयु कहा गया है। इस अवस्था में शिशु का विकास कैसे होता है यह हर एक माता पिता को पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चों को पानी में बड़ा मज़ा आता है। पानी में छप छप करना, गीला हो जाना, पानी फैला देना, बहुत देर तक नहाना, अपने कपड़े गीले कर लेना। केवल पानी में ही नहीं, उन्हें उतना ही आनंद मिट्टी व रेत में भी आता है। मिट्टी से गोले बनाना, मिट्टी को अपने ऊपर गिरा लेना, रेत को अपने ऊपर डाल लेना, बहुत देर तक उससे खेलना, यदि कोई उसके साथ में है, माता पिता हों, उसके भाई बहन या उसके सहपाठी, सभी के ऊपर रेती को फेंकना, ग्लास या कटोरी साथ में हो तो उसमें रेती को भरना। इसी प्रकार बच्चों को दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, बगीचे में बहुत देर तक खेलना बहुत अच्छा लगता है। यानी बच्चों को खुली हवा में रहना बहुत प्रिय है। बच्चे तो धूप में भी खेलते रहते हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। इसी प्रकार से कुर्सी के ऊपर चढ़ना, टेबल पर चढ़ना, उससे नीचे उतरना, टेबल के अंदर बैठ जाना, उन्हें बहुत मज़ेदार खेल लगता है। कभी आपने विचार किया कि उन्हें इतना अच्छा क्यों लगता है? ये सभी पंच तत्व हैं। बच्चों को इनके साथ रहना आनंदित कर देता है। भारतीय शिक्षाविद कहते हैं कि इस आयु में अधिक से अधिक पंच तत्व की गतिविधियों को शिशु के साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में प्रामाणिकता व संपूर्णता आती है। पंच तत्व की गतिविधियाँ करने से बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक पंच तत्व की गतिविधियाँ घर पर कराएं। कुशाग्र होम लर्निंग सिस्टम लगातार इस ओर कार्य कर रहा है। धन्यवाद।